नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ब्लाउज में प्लेट का निशान लगाएंगे। तो इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने आगे का पल्ला लिया है और इसको हमने अस्तर में सिल लिया था पहले ही। अब हम प्लेट के निशान लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पर लंबाई इसकी 8 इंच आ रही है। देखिए तो हम बी सेंटर पर एक निशान लगाएंगे, इस तरह से 4 इंच पर निशान लगा लेंगे। और अंदर की साइड देखिए हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से, और निशान लगाकर इस तरह से सीधा कर देंगे। तो इस तरह से हमारा एक प्लेट का निशान लग गया है। अब हम दूसरे प्लेट का निशान लगाएंगे। यहाँ पर 2 इंच का गैप रखेंगे, फिर हम इसकी लंबाई 4 इंच रखेंगे। तो इस तरह से हमने दूसरा प्लेट का निशान लगा लिया है। अब हम तीसरा प्लेट का निशान लगाएंगे। यहाँ पर 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर 2 इंच का गैप रखेंगे और इस तरह से निशान लगाएंगे। फिर हम दोनों निशान को इस तरह से मिला देंगे, देखिए इस तरह से। तो हमारा तीसरा भी प्लेट का निशान लग गया है। अब हम चौथा प्लेट का निशान लगाएंगे। यहाँ पर चौड़ाई इसकी 4 इंच रखेंगे, 4 इंच पर इस तरह से निशान लगा देंगे और लंबाई 3 इंच रखेंगे। तो इस तरह से हमने चौथा भी प्लेट का निशान लगा लिया है और इसी तरीके से हम दूसरे पल्ले में भी निशान लगाएंगे। तो इस तरह से हमने दूसरे पल्ले में भी निशान लगाए थे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।